से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ हमेशा इतना काम करते हो, खाना खा लो। भूख नहीं लगी है। डॉक्टर्स हाओ जो पानी और खाने के बिना सिर्फ हवा खाकर जिंदा रह सकते हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन ये सारी नर्सेस मेरे बजाय तुम्हें क्यों गिफ्ट्स भेजती है? आज मौसम काफी ठंडा है, मेरे लिए इंसान का मतलब सिर्फ शरीर है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी शादी हो सकती है। मेरी मंगनी हो चुकी है। तो बड़े शातिर खिलाड़ी निकले, मुझे बताकर कोई फायदा नहीं है। जाओ पहले जाकर उन्हें बताओ। झूठ नहीं है, मेरे मॉम डैड ने तय किया है। मैं तो लड़की को जानता भी नहीं। तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ, मुझे पूछे बिना फैसला ले लिया। आप ही देखो कैसी मंगनी, ये सब हो क्या रहा है? बचपन में मेरी शादी फिक्स कर दी थी। तुम गाड़ी बहुत तेज चला रही हो। डोंट वरी, मैंने तो रेस कार भी चलाई है। कहाँ पर? फिल्मों में। तुम सामने देखो, सामने देखो। ऐसे कहीं तो देखा है, क्या ये वही? नहीं, मैंने उसकी आंखें साफ देखी। बूढ़े होकर भी लड़की को ऐसे ताड़ते हो? तुम जैसा सख्त और उदासीन लड़का उसके टाइप का नहीं है। मेरे जैसा डैशिंग और कूल बंदा उसके लिए परफेक्ट है। क्या मैं सुजिन बे के डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? मैं उसके एजेंट हूँ वूदी। उसे किसी और स्पेशल वार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो? डॉक्टर जाओ ने पहले कभी एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं देखी। टाइम पास करने के लिए। तो सुनजिन बे की फोटो है। अब तो तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। वही मेरी मंगेतर है। अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, आराम करो। हुआ है मुझे, बदसूरत दिखूंगी? नहीं, छोटी सी सर्जरी थी, निशान नहीं रहेगा। कल रात किसी ने मुझे किस किया? ये तो सर्जिकल मास्क है, उसी ने ये किया होगा। रात वो तुम ही थे ना? बेहोश थी, ऐसी गलती करना जायज है, कोई बड़ी बात नहीं। मिस वो, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर शियो ने ऐसा कुछ किया है। हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके, संभल कर रहना। मेरी साइड ली, आप तो जानते हैं मैं बेस्ट हूँ ना। तुम्हारी वजह से उसे डांट कर आई हूँ। सॉरी ना, वही लड़का जिसने कल रात मेरा पहला किस चुराया। लेकिन तुमने कहा वो अभी आया था। अस्पताल में राउंड लगा रहा है। शाओ ने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, मुझसे भूल हो गई, सॉरी। ठीक है, बाय। बोलो मॉम। तुमने मुझे अपने एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिन्युन बहुत ही अच्छा सर्जन है। क्या तुम उसके हॉस्पिटल में जा सकती हो बेटा? पहले बताओ शिन्युन कौन है? जो शिन्युन, तुम्हारा होने वाला पति। नाम तो सुना सुना लग रहा है। लड़का मुझसे कैसे बचता है?
मास्क निकालोगे? नहीं,